देश में लगातार तेजी से बढ़ती पेट्रोल और डीजल घरेलू गैस के दामों में हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश बंद के आह्वान को बुलंद करते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3 बजे केवड़िया रीवा एक्सप्रेस ट्रेन को लगभग 20 मिनट तक रोका। दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगातार जनता की कमर तोड़ने के उद्देश्य से पेट्रोल डीजल घरेलू गैस मूल्य वृद्धि की जा रही है। अच्छे दिनों का वादा अब केवल जुमला साबित हो रहा है। मोदी सरकार द्वारा अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों देश गिरवी रखा जा रहा है, जिसका कांग्रेस एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है। कल रेल रोको आंदोलन के माध्यम से हमने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि नींद से जागो और जनता को सस्ता डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस उपलब्ध कराओ, नहीं तो जनता के हक में लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। रेल रोको आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं को रेलवे ट्रैक से हटाने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 20 मिनट तक कार्यकर्ताओं ने कवादिया रीवा एक्सप्रेस ट्रेन को रोका। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बलपूर्वक उठाकर गिरफ्तार कर आरपीएफ थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने रेलवे अधिनियम के तहत कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही की। रेल रोको आंदोलन में मुख्य रूप से यूका महासचिव रौनक खंडेलवाल, महासचिव आदित्य कटारे, मुड़वारा अध्यक्ष शुभम मिश्रा, तिरक कॉलेज अध्यक्ष अजय खटी व गढ़ अध्यक्ष ऋषिराज तिवारी, बहोरी बंद अध्यक्ष विपिन तिवारी, अर्पण परो ऋषभ मिश्रा, शिवम गर्ग, अजीत गौतम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेट्रोलियम डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि के विरोध में कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश को बंद करने का आह्वान कमलनाथ जी ने किया था, जिस पर कटनी ऐतिहासिक रूप से बंद हुआ और एनएसयूआई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के विरोध में आज रीवा एक्सप्रेस ट्रेन को लगभग 25 मिनट तक प्लेटफॉर्म में एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 मुख्य रेलवे स्टेशन में रोककर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार को एक चेतावनी दी है कि जन आज भी नींद से जाग जाओ, जनता के हक की बात करो, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की मूल्य वृद्धि वापस लो। अगर केंद्र सरकार ये मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेती है तो लगातार एनएसयूआई कमलनाथ जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, एनएसयूआई के अध्यक्षों के नेतृत्व में आंदोलन करती रहेगी। पुलिस ने प्रवर्तक लाठीचार्ज हमारे ऊपर कर हमें आज गिरफ्तार किया जा रहा है। इतनी भी ताकत से अपना बल प्रयोग करे मोदी की सरकार, आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जनता के हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229।